चलो कल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, सबके ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है उस्मान और ये मेरा दूसरा व्लॉग है 1.5 साल के बाद। पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था। अच्छा जी, तो सूरत हाल ये है कि मैं कहीं जाने के लिए ये तैयार हो रहा हूँ, और वो तैयार किस जगह जाने के लिए हो रहा हूँ, तो मैं आज जा रहा हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हाँ जी, तो पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो अभी ये सुबह के तकरीबन 6 बजे का टाइम, नहीं तकरीबन क्या यार, 6 बजे, 6:10 का टाइम है। मुझे पता है तकरीबन मैं कितने बजे निकला था, यार मैं तकरीबन बहुत कहता हूँ। सामान मैंने सारा रख लिया है और हमने 2 गाड़ियां लेके जानी है एयरपोर्ट के ऊपर। एक गाड़ी के अंदर मेरा सारा सामान था और दूसरी गाड़ी जो थी वो मैंने टैक्सी वो करवाई थी, और दूसरी टैक्सी के ऊपर हम जा रहे हैं जी बैठ के, जी नु जी नहीं जिमें हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये एयरपोर्ट आ गया है, नहीं मैं बात और करने लगा था लेकिन सामने एयरपोर्ट आ गया था। चलो मैं कहता हूँ अभी दस दवा कि एयरपोर्ट है ना, ये तो जहाज उठते ने, ओ जहाज, जंगी जहाज। अच्छा बहरहाल, असि एयरपोर्ट से शुक्र अलहमदुल्ला पहुंच गए हैं। इतो हम असि यहाँ से हम अपने निकालेंगे टिकट, और जो टिकट ही होती है ये होती है सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि अपनी आप अपनी सवारियां उतारें, अपना सामान उतारें और 10 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ से दफा हो जाएं। तो गल करने का मकसद है वे, मैनू पता जो मैं अब क्योंकि मम्मी टैक्सी चलाना वा, तो जो मैं इतने पहुंचना होना वा, तो 10 मिनट मेरे को होंगे ने, तो मैं उस 10 मिनटों के बीच मैनू होंगे कि मैनू मैं जो ना खुदा हाफिज भी ना अपनी सवारी को कहां, तो मैं निकलन की गल करा, क्योंकि वो मैं पैसे जिन्हें लगे होंगे ने, तो वो मैं नहीं तो 2.5 यूरो अपने को लाने पै जाने ने ना, मतलब तो मैं लाना नहीं चाहता होंगे, 10 मिनट के मैं निकलना होंगे। अच्छा बहरहाल, असं इतने हम पहुंच गए हैं, इतों असं समान निकाल रहे हैं, और समान निकालने के लिए मुझे यहाँ से 3 ये वैगन चाहिए थी जो मैं रेड के लेके जा रहा हूँ, और आहो 3 ही थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा माशाल्लाह सामान था वो 11 बड़े बैग थे 20-20 किलो वाले, 23-23 किलो वाले, और 4 छोटे बैग थे, और वहां से हम रेड रूड के यहाँ पे पहुंच गए हैं। अच्छा ये ना आपको एक मैं बात बताता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था ना ये सारी चीजों की, तो मुझे जिन्ने मुंह उनिया गल्ला तुसी इस तरह कह सकते हो ना, तो उन्होंने कहा सी कि तुसी PCR टेस्ट करवा के जाना है, और एक खास किस मतलब खास स्टेशन तो या खास एक जगह तो टेस्ट करवाना है जेड़ा एक्सेप्ट करते हैं एयरपोर्ट वाले ना। मैं जिथों करवा लिया सी वह हैगा सी, मतलब मैनू किसी सवारी ने कहा सी कि तू करवा उतो करवा लिया, क्योंकि मम्मी उतो हमेशा करवा के, तो मैं जाना वा जिथे आउट ऑफ कंट्री जाना होंगे ना, तो बहरहाल मैं करवा लिया सी, तो मैं डर है सी मैं इस तरह ना हो यार कि जो मैं फ्लू हाफन से पहुंचा एयरपोर्ट से पहुंचा, तो उत्थे जाके वो कहन कि नहीं ए वाला टेस्ट नहीं असी मनना, असी तो दूसरी जगह वाला टेस्ट मानने। मेरा खुदा पाक की कसम मैं खा के कहना, मैं कसमा मिलनी है ज्यादा नहीं खाता, लेकिन बाकी मैं तुम्हें हकीकत कह रहा हूँ कि जब मैं वहां पर पहुंचा था तो वहां पे मतलब वहां पे पहुंचने से क्लियर होने तक मुझे ये डर था कि हुनी भी उन्होंने ना कर छी, तो हुनी भी उन्होंने ना कर छी। अभी मैंने मास्क उतार दिया है, और जब भी मैं पकड़ा गया तो मैं पकड़ा गया टंगना अच्छा ये टंगना जिहड़ा ना, मेरी बेगम साहिबा ने मुझे कहा था कि टंगना मतलब टंगना जिसने ना किलियां नाल किन्नी बड़ी चीजा टंग दीतियां ते ओ टंगियां रहंदियां ने, ते ए बेगम साहिबा दा मतलब ए सी कि किन्नी चीजा तेरे नाल टंगियां ने, ते तू टंगना बन के ते फिरंदे इस टाइम ना। अच्छा यार, यहां पे शुक्र अल्लाह में कि हम सामान हमारा क्लियर हो गया, हमारा बुक भी हो गया, और हम यहां पे जो वाटर स्विमर है मतलब वाटर स्विमर क्या कहते हैं, जहां इंतजार करने वाला, यहां से हमने सिर्फ जहाज के अंदर बैठ के ना तो साह लेना है बस, वहां पे जाके हम इस पोजीशन के ऊपर पहुंच गए हैं। सही है, और शुक्र है यार, मतलब मैं इतना अच्छा बचा कि मैं सबसे पहले, खैर सबसे पहले तो नहीं लेकिन 2-4 सवारियां मेरे आगे थी और उनके पीछे मैं गया हूँ। अभी आपने देखा कि मैं और अफान ही सिर्फ अंदर जा रहे हैं, क्या नाम है, जहाज के अंदर, और कोई बंदा नहीं था, ना बंदा था ना बंदे की जात। तो बहरहाल अभी हम जहाज के अंदर बैठ गए और बच्चे बहुत एक्साइटेड है, आपको पता है कि गाड़ियों मोटरसाइकिलों बसों ट्रामों इस पे तो हम रोज ही तकरीबन बैठ जाते हैं, लेकिन जहाज तो फिर जहाज है ना, फिर उन्हें तो उड़ना होता है ना हवावां दे विच। ते बहरहाल आज खुशी के आलम में मैं भी हवावां दे विच उड़न दिया सी, और मैं आपको सिर्फ ये तरह ना एवं तरह शो मारन दिया मैं किसी जहाज से बह गए ना, और जहाज में बैठ के तो हमको सबसे पहले तो उन्होंने ये चीजें दी जो आपको नजर आ रही है, जो नीला सा बैग है ना, इसके अंदर हाथ साफ करने के लिए वो सैनिटाइजर और पेपर जो होते हैं गिले गिले पेपर, और ये आपने अपने कानों में डालने हैं ना कि अपनी नासों में, और ये की नाम है कंटूटियां ने, इन्होंने कंटूटियां यार कहना कन्ना चला के अपने गाने को नहीं सुनते रहते। अच्छा इतने पता की हुआ है, अच्छा ये जो ये चीज है ये हाथों के वो सैनिटाइजर है, मैनू नहीं पता
यार इतने ना एक रुमाल जहाँ सी वो रुमाल नॉर्मल जो तो तुसी पहले सफर करते हो ना एक तुहानू गिला जिहा रुमाल दिंदे ने ते तुसी उहदे नाल मुंह साफ करना हुंदा है ते मैनू ऐसी कि ए वाला रुमाल जिहड़ा ना ए मुंह साफ करन नाल है हालांकि ए सैनिटाइजर वाला सी मतलब इहदे अल्कोहल या जिस तरह सैनिटाइजर सी इहनू तुसी हत्थां ते इस्तेमाल करना सी ते मैं इहदे नाल अपना मुंह रगड़ छड़िया और नवीं नवीं मैं शेव कीती सी अल्लाह दी कसम इन्ना यार मेरा मुंह बाद विचों सड़दा रहा ना ते मैं सज्जे खब्बे वेखा कि मैनू किसी ने वेख्या ते नहीं कि मैं इस रुमाल दे नाल हथ नहीं साफ किए तो मुंह साफ किया चलो बहरहाल शुक्र है लामे तो मुंह के उ जरासीम हो सकते हैं ना वो मेरे जरासीम वह भी खत्म हो गए तो मैंने बहरहाल बड़ी शर्मिंदगी हुई सज्जे खब्बे वेख के। अच्छा यह हूँ मैं तुम्हें जरा दसन दिया ना इस तरह जहाज नहीं जाता वो सिर्फ एक डेमो जहा दस दे कि असं इतों उठना है तो असं इतने पहुंच जाना है वो चंद मैं दिखा रहा है अल्लाह अल्लाह करके हूँ असं रिड़ पे हाँ तो जहाज ना फुल शूटा तो जा रहा है तो शूटा बल्कि बल्कि उड भी गया है कि आगे तो पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं। ये है छोटा सा ई चले आज बाय चलते अच्छा जी अच्छा तुसी छोटा सा वो समझ लग गई होनी कि है ना। अच्छा इस नीली नीली जिहड़ी तस्वीर आ रही है ना मेरी एक अपनी गलती की वजह तो आई है क्योंकि मैं ना इत्थे एक बटन जहा सी इत्थे इस टाइम बड़ी धूप के बाहर ना तो यहाँ पे एक बटन था तो मैंने उसको नप दिया था और नपने की वजह से वो मेरी जो स्क्रीन थी ना वो नीली हो गई थी मतलब कि धूप ना अंतर आए ना। और मैं इन्नी अल्लाह की कसम कोशिश यार मैं बहुत कसम खाना यार मैं कसम से मैंने इतनी कोशिश की कि मैं वो वापस वो मतलब जो ओरिजिनल स्क्रीन है ना मतलब वो आ जाए वापस लेकिन वो मुझसे नहीं आई मेरी अपनी गलती की वजह। बहरहाल छोटो पर उन्होंने ये आ गया हमारा खाना और मैं आपको दिखा रहा था कि अभी मैंने लिया था बीफ रिंट बड़ा गोश्त और बाद में ए की सी ए सलाद सी मेरे ख्याल अरबियां का कोई सलाद सी ते ए हैगा सी पुडिंग जी मिठी 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 और मैनू इन्नी भुख लगी सी कसम नहीं मैं खावांगा लेकिन मैं वाकई तुम दसा इन्नी भुख लगी सी। अच्छा ए हैगा मक्खन तो ये है मेरी स्प्राइट और ये निका सा मेरा पानी और मैं इसका मतलब है कि मैं अब खाना खा लूं। खाना मैंने खा लिया है और ये आपको मैं दिखाता हूं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं तीन बारी उन्होंने को मैं स्प्राइट ली पैसे दिते ने खाओ पियो इंजॉय करो उस्मान साहब एक मैं पानी पीता और एक दो तीन क्योंकि तीन तीन उन्होंने नहीं देने थे ये मैंने बच्चों के जो बच्चे थे वो भी खा लिए और तबास्को हाँ तबास्को जो है ना मैंने उन्होंने रेड़ी दे विच वेख्या मैं क्या सॉरी मैं क्या मैं तबास्को ले सकना वा उन्हें बड़े भैड़े जे मुंह नाल मैनू तबास्को देते छड़िया मैं क्या चल बनाई जा भैड़ा मुंह तेरा वैसे ही नकाब दे विच मैनू कड़ा नजर आ रहा है ते ये मैं अब टॉयलेट के पास खड़ा था तो ये किचन का आपको मैंने सीन दिखा दिया है और ये अब मैं बिल्कुल ही बोर हो गया सी कसमे ना मैनू नींद आ रही सी मैं चलो उस्मान साहब गेम खेल मैं गेम खेल रहा सी और माशाल्लाह 3 स्टार ए मतलब कि अच्छा प्लेयर। अच्छा लुको अफान नू ना मैं दिता सी वाला बैग सराहना जहा कहना सी बाबा मैंने सोना है मैं उन्होंने कहा मैं कहा हवा भर ए मुंह दे ते सो जा। ये जहाज साहब जो है ना इतनी हौली हौली नजर आते हैं जब आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं यहाँ से मक्का मौजमा जो अजीबन 791 किलोमीटर बहरीन जो 49 किलोमीटर है और पता नहीं गला गला ची यार इतने असं पहुंच गए अबू धाबी और अबू धाबी रुक गए पता नहीं जहाज हाँ यहाँ पे रुक गया जहाज और यहाँ पे ना लोग जो है ना वो खड़ा होना शुरू हो गए हैं और ये मोहतरम अपने लो ना तुम दसन देने की हम अबू धाबी पहुंच गए हैं लेकिन मैं बहुत आहिस्ता बोलन दिया सी ते मैं अपनी आवाज जी कट छी है मैं इन्हों इतों पुर कराओ ते नाजरीन ना अपने भैन भरा उंज दस दवा। बहरहाल अबू धाबी पहुंच गए इंशाल्लाह ताला इतों अगे जरा सफर जो मैं वो तुम कल वाली वीडियो दसागा इसलिए मैं हूँ इतने दो इजाजत अल्लाह दियां सपुरदां ते रब रखा।